ने विश्वविद्यालय में कुलपति व शिक्षकों से मारपीट करने सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि विश्वविद्यालय में हुई मारपीट के मामले में तहरीर के आधार पर 22 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शक्ति सिंह पुत्र नरसिंह बहादुर सिंह निवासी पिपरा बांध थाना मईल जनपद देवरिया, दूसरा प्रिंस तिवारी पुत्र जितेंद्र तिवारी निवासी नारायणपुर पोस्ट पटेहरवा थाना पटेहरवा जनपद कुशीनगर, तीसरा शुभम गोविंद राव पुत्र अजय गोविंद राव निवासी बरवा बाजार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर हाल पता यशोधरा कुंज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, चौथा शिवम पांडे पुत्र यशवंत पांडे निवासी ग्राम बुधवार थाना बनकटा देवरिया हाल पता जंगल सिकरी कोराबार थाना कोराबार जनपद गोरखपुर, पांचवा आलोक गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी 127/133 आर्य नगर दिलेदारपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, छठवा ऋषभ सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी बरडीहा परशुराम थाना लार जनपद तिवरिया, सातवां मयंक राय पुत्र मित्रुंजय राय निवासी पार्वती नगर झारखंडी मंदिर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, आठवां श्रवण कुमार मिश्र पुत्र भरत राव मिश्र निवासी ग्राम बिसरा पार पोस्ट देवरिया गंगा थाना फरीदाबाद कोतवाली जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के नियंत्रक कार्यालय के डॉक्टर सत्यपाल सिंह पुत्र गजेंद्र पाल सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में छात्राओं के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कुल सचिव अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गणों के साथ मारपीट व तोड़फोड़ के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश कुशवाहा विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी अमित चौधरी कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह शामिल रहे।